DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls' fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. सर, अपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ जिसके अंदर जो है अप्रैल मई के जो बिल हैं उनको माफ कर दिया जाए। हाँ, उसमें जो मुख्यमंत्री जी की जो अनुशंसा जो आई थी उसके बाद एवीवीएनएल ने जो आदेश निकाले उसमें उन्होंने कहा कि इन 3 महीनों में अगर कोई बिल जमा नहीं करता है तो कनेक्शन नहीं उसका काटा जाए। इस तरह के आदेश आए थे, कनेक्शन नहीं काटने के आदेश थे, लेकिन बिल को माफ़ करने का कोई भी आदेश ना तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और न ही जो है अपने एवीवीएल के द्वारा दिया गया है। सर, पब्लिक में रोष भी जा रही है कि भाई बिल इतना आ गया है, कैसे जमा कराएगी, क्योंकि काम धंधे सब ठप पड़े हैं। नहीं, देखिए, ये बात आपकी सही है कि अभी पिछले 2-3 महीने लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद रहे और जिसमें जो दैनिक जो वेतनभोगी जो हैं, जिनके लेबर जिनको अपन कहते हैं, उनके पास समस्या रही। लेकिन चूंकि अब स्टार्ट हो चुकी है, इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट के आदेश आ गए, इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई हैं, ऑफिसेज भी जो प्राइवेट में जॉब करते थे उनके लिए भी सरकार ने आदेश निकाल दिया कंपनीज़ को कि भी अपना शुरू करें वो, तो अब तो उनका ऐसा नहीं है कि सब कि उनके पास अब जो है अर्निंग उनकी अब नहीं हो रही, आज की तारीख में अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं। अब जो पिछला जो बिल उनका जो है तो ये लगातार अखबार के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, तुरंत FM के माध्यम से लगातार सूचना दी जा रही थी हमारे विभाग द्वारा कि सभी लोगों को अपने बिल जमा करने हैं, स्थगित किए गए हैं, जिनका कनेक्शन एक काटा जाएगा, लेकिन माफ़ नहीं किए गए थे। तो सबको अपना अपना एजेंट करके रखना चाहिए था उसी हिसाब से कि ये लगातार जनता के बीच में मैसेज दिया जा रहा था कि अगर नहीं जमा करेंगे अगर हम बिल तो इकट्ठा 2-3 महीने का बिल हमको जमा करना पड़ेगा। सर, कुछ डिस्काउंट भी दिया है सरकार ने? सरकार ने अभी 5% रेट का एक डिस्काउंट निकाला हुआ है, वो मंथ के इस माह के अंत तक वो रहेगा। उस माह तक के बीच में जो भी अगर उपभोक्ता अपना बिल जमा करता है तो उसको 5% की छूट मिलेगी आगामी बिल में। सर, कोई किस्तों में लोगे या पूरा अमाउंट लोगे? सर भाई, देखिए, अभी तक जो स्थिति है, अभी तक ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट्स में का बिल लेने का आदेश सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी तक तो बिल 100% ही लिया जाएगा। सर, फिर भी किसी मानवीय आधार पर अगर कोई अगर वाकई ऐसा जरूरतमंद है तो उसकी एक इंस्टॉलमेंट करी जा सकती है। सर, आपका नाम? मैं आलोक श्रीवास्तव, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, अजमेर टाटा पावर।